हजार रुपया कम का मतलब समझ रहे हैं, 12 महीना में 24,000। बात क्या कीजिएगा, ड्राइवर का 2 महीना 7 दिन का पेमेंट नहीं मिला। गर्दन का लॉकेट बेच के हम अभी ऐसा है कि घर में राशन लाए हैं और गैस लाए हैं। कंप्यूटर चलाने वाले व्यक्ति को हर महीने के महीने 5 तारीख को तनख्वाह आ जाता है, लेकिन कूड़ा ढोने वाले उसके बाद भी सैलरी हम लोग को 20 को आता है। 3 महीने का पैसा बाकी है, पैसा नहीं आया, आ रहे हैं कर्जा लेके जमीन बेच रहे हैं। जब जमीन हम लोग के पास रहता था यहाँ पे, हम निगम के पास आते काम करने के लिए, कहे के लिए। हम लोग के साथ शोषण हो रहा है, इसलिए कि हम लोग को 13,142 रुपया मिलता था। इम्प्रेशन द्वारा निगम देती थी, निगम पेमेंट करती थी इम्प्रेशन को, तो ही ना इम्प्रेशन हम लोग को देती थी, अकाउंट पर गिरता था हर महीने। लेकिन ये जो मोरियन क्रस अभी कंपनी हम लोग का ली है टेंडर, तो वो करिए 26 दिन ड्यूटी का 11,220 रुपया देंगे, तो 11,000 रुपया मिलेगा 26 दिन का, 30 दिन का मिलेगा 13,242 रुपया। तो 13,000 इम्प्रेशन देती थी 26 दिन का, 13,142 रुपया 26 दिन का मिलता था, 4 दिन ड्राइवर को छुट्टी मिलता था। तो किसी का भी बेटा बीमार, किसी का गोड टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी को लेटिंग हो रहा है, तो 4 दिन छुट्टी होना चाहिए, तो वो मैनेज होगा। लेकिन मोरियन क्रस का कहना है 30 दिन ड्यूटी कीजिएगा तो 13,144 रुपया हाथ में आएगा, 1,800 आपका पीएफ जाएगा। तो पीएफ तो मिलता है 5-4 बरस पर, डेली डेली तो हम निकाल नहीं सकते हैं, तो 11,000 रुपया में आप क्या कर सकते हैं, 242 रुपया में आप क्या कर सकते हैं। ऐसा है कि प्राइवेट गाड़ी अगर मैं चलाऊँगा, मेरा नाम हुआ रवि वर्मा, लाला जी हैं जात के, कूड़ा ढो रहे हैं मुँह से ना, पैसा का मुँह से ना। कहाँ पे आपका ड्यूटी है? ड्यूटी है 37 वार्ड में, गांधी मैदान इसी वार्ड में, यहाँ से कूड़ा लेकर गए हैं 1 घंटा पहले, और अभी भी लोडिंग हो रहा है गाड़ी, हम कूड़ा लेकर ही जाएंगे। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि 2,000 रुपया कम का मतलब समझ रहे हैं, 12 महीना में 24,000 रुपये। ऐसा है कि जो गरीब आदमी, जो गरीब भाई ड्राइवर है, उसको 4,000 रुपया किराया लगता है, 3,000 से कम तो कहीं भी आप भी नहीं रखिएगा। अधिकारी आप अगर हैं निगम का, तो आप भी बिल्डिंग बनाए होंगे तो रेंट रखते होंगे, तो 3,000 से कम में रेंट रखिएगा, नहीं रखिएगा, यही हम लोग का। किन अधिकारियों से बात हुई है आप लोग को? अधिकारी हम लोग को यही बोली ना कि हम बात करेंगे, तो बात क्या कीजिएगा, ड्राइवर का 2 महीना 7 दिन का पेमेंट नहीं मिला, कर्ज लॉकेट बेचे हैं पॉकेट का, गर्दन का लॉकेट बेच के हम अभी ऐसा है कि घर में राशन लाए हैं और गैस लाए हैं। सबसे बड़ा समस्या शोषण ये हो रहा है हम लोग के साथ कि हम लोग को सबसे पहले तो कंप्यूटर चलाने वाले व्यक्ति को हर महीने के महीने 5 तारीख को तनख्वाह आ जाता है, लेकिन कूड़ा ढोने वाले हम लोग डोम से बदतर हैं, उसके बाद भी सैलरी हम लोग को 20 को आता है, 25 को आता है। ऐसा है कि इम्प्रेशन का टेंडर फेल हो गया है, उसके बाद भी 3 महीने का पैसा बाकी है, पैसा नहीं आया, खा रहे हैं कर्जा लेके जमीन बेच रहे हैं। ये बताइए, जमीन बेच के खाएं? जब जमीन हम लोग के पास रहता था यहाँ पे, हम निगम के पास आते काम करने के लिए, कहे के लिए। जब हम लोग को जमीन होता तो हम लोग घर पे ही नहीं बैठ कर खाते, गरीब आदमी हम लोग। ये बताइए, या कोरोना काल में हम लोग इतना किए, क्या हम लोग को मिला? कुछ नहीं मिला, घटाया जा रहा है। मौर्य मोटर जब से आया है 2,000 रुपया घटा दिया गया है, बताइए ये सब कहाँ से हम लोग मेंटेन करेंगे? क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्या मांगे हैं? मोटर्स जो भी है वो इतना में पैसा में मानेगा तो ठीक है, आने तो उसको टेंडर को रद्द किया जाए, उतना में कोई और कंपनी आकर। ये मांग किन से कर रहे हैं आप लोग? नगर निगम के हिसाब से कहना चाह रहे हैं उसके टेंडर को रद्द किया जाए, मोरिया कर्ज के मोटर्स किसका है उसको रद्द किया जाए, इतना में काम 11,000 में काम नहीं होगा। हम लोग को जो पहले मिलता था वो मिलना चाहिए, मिलता था 13,140 रुपया, उससे ज्यादा मिलना चाहिए, उससे काम नहीं होना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, 13,140 रुपया पैसा भरना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो 11,000 में काम नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। आपकी बात को सुनेंगे कमिश्नर साहब? कोई सुन, कमिश्नर साहब सुनना पड़ेगा, इसलिए कि कोई भी ड्राइवर 4 साल से इम्प्रेशन में गाड़ी चला रहा था, तो ऐसा है कमिश्नर साहब कौन से 4 गो बैटरी इशू हुआ, 20 गो बैटरी गायब हुआ, उसका कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई किसी भी अंचल में 6 अंचल में एक भी गार्ड नहीं है गाड़ी देखने के लिए।
मेरा खुद 13-02 का गाड़ी का बैटरी चोरी हो गया, 8500 में बैटरी हम लगाए हैं, पेपर मेरे पास है। और अपना पैसा, अपना पैसा से मैंने लगाया बैटरी, पेपर मेरे पास है, बोलिएगा तो पेपर कमीशन साहब के ऑफिस पहुंचा देंगे। सबसे बड़ा समस्या ये है, तनख्वाह से हम लोग गाड़ी बनाते हैं, मेंटेनेंस नो मेंटेनेंस, ओनली फॉर रनिंग, नॉट फॉर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का पैसा सिर्फ ठेकेदार खाया, उसके बाद भी 2 महीना इंप्रेशन का पैसा हम लोग को नहीं मिला है। 13-26 हजार रुपया हम लोग का एक शिफ्ट का बाकी है। ऐसा है कि हम लोग सिर्फ चुप है अपना पेट के लगी, अगर पेट का मार मारिएगा आप लोग। 5 साल से जैसे महंगाई 3 गुना बढ़ गया, हम लोग के भी महंगाई के हिसाब से पेमेंट बढ़ना चाहिए, उल्टे घटाने का काम कर रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हम लोग बहुत गंदा काम करते हैं।